रिविजन नोट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फर्स्ट टॉपिक इज इथाइल एल्कोहल। द फार्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल इज C2H5OH। कॉमन नेम इज इथाइल एल्कोहल। आईपीसी नेम इज एथेनॉल। C2H5 1, 2, 3, 4, 5 and OH. OH is a functional group. Alcohol. Suffix is a ol. Ethan to ethanol. Physical properties. Number one, it is liquid. Number two, soluble in water. Chemical behavior or chemical reactivities. Number one, with litmus paper, no effect. Sorry, will you litmus paper red color में convert नहीं होगा? Red litmus paper blue color में convert नहीं होगा. Number two, reaction with sodium Na natrium C2H5OH plus Na. Hydrogen of ethyl alcohol displaced by sodium and formation of sodium ethoxide plus release of hydrogen gas. इसका means है कि alcohol में यदि हम sodium metal जो highly reactive metal है sodium, potassium और magnesium को जैसे मिलाते हैं तो alcohol उससे reactions करके sodium है तो sodium ethoxide बनाएगा, पोटेशियम में तो पोटेशियम इथॉक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम इथॉक्साइड बनाएगा, साथ में कौन सा गैस रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस। नंबर थर्ड, रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड CH3COH, acetic acid plus C2H5OH. Reactions in the presence of concentrated sulfuric acid. The product is CH3COC2H5. C2H5 is ethyl, CH3COO acetate, it is called ester, iska naam kya hai? Ester hai, acetic acid plus ethyl alcohol in the presence of concentrated H2SO4, formation of ethyl acetate means ester plus H2O water molecules. The process is called esterification.
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। सब इथाइल एल्कोहल को एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तब इस प्रोसेस का नाम रखते हैं हम इस्ट्रिफिकेशन। इस्ट्रिफिकेशन मीन्स ईस्टर का बनना। नंबर फोर, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का निकल जाए। C2H5OH एथेनॉल हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4। टेम्परेचर रेंज इज 443 केल्विन एंड फॉर्मेशन ऑफ C2H4 प्लस वाटर। देखो जैसे आपने गर्म किया तो क्या निकल गया बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। इथाइल एल्कोहल और एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? एथीन, इन मीन्स डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में। तो इस रिएक्शन का नाम रखा हमने क्या? एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल्स का निकल जाना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल का मीन्स क्या है? सिंपल सा मीन्स है वाटर मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिटिक एसिड CH3 C double OH। C double OH फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड C double OH। कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। IUPAC नेम इज एथेनोइक एसिड। IUPAC नेम इज एथेनोइक एसिड। CH3 CH3 वन कार्बन, C double OH टू कार्बन, एथेन टू कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड है। इको किससे रिप्लेस किया? वीक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो सफिक्स है वो क्या है? वीक एसिड। किसको रिप्लेस कर दिया आपने? इको किससे? वीक एसिड को। एसिटिक एसिड IUPAC नेम इज एथेनोइक एसिड। नंबर नेक्स्ट प्रिपरेशन C2H5OH इथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं? एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आर एसिडिक K2Cr2O7। इस इथाइल एल्कोहल और एथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो गया? एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड प्लस H2O। कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई? 2 और 1 3 है, वहां 1 है तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। इस प्रोसेस का नाम क्या रखेंगे? द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड आर एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 आर एसिडिक K2Cr2O7। प्रिपरेशन के बाद क्या आता है? प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर वन, इट इज अ लिक्विड। नंबर टू, हाईली सॉल्युबल इन अ वाटर। टेस्ट कैसा होगा? एसिड है ना, सॉल्ट टेस्ट होगा। जब इसको हम सॉल्ट फॉर्म में लाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्लेशियल जैसा होता है। द नेम ऑफ दिस ग्लेशियल एसिड, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नंबर वन, विथ लिटमस पेपर विल यू लिटमस पेपर टर्न इन टू रेड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। इट मीन्स इट इज अ एसिडिक इन नेचर। उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए कैसा होगा बेटा? एसिडिक नेचर का होगा। जब भी कोई एसिड किसी रिएक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम या जिंक से रिएक्शंस करती है तो क्या निकलता? हाइड्रोजन गैस। तो देखते हैं, रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड जिंक। CH3COOH+ सोडियम। चलिए टू ले लेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन। अगर हम जिंक को लेंगे तो क्या बनेगा? देखते हैं, CH3COOH। टू मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा ना, जिंक डाइवेलेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH+Zn+H2। क्या नाम होगा इसका? अरे भाई, इसका नाम क्या था? क्या नाम था इसका? सोडियम एसीटेट। तो ये क्या होगा? जिंक एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो ये क्या हो जाएगा? जिंक एसीटेट। मैग्नीशियम लेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम एसीटेट। पोटेशियम लेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम एसीटेट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एसिड है ना, तो रिएक्शन किससे करेगा? विस रिएक्शन विथ विस। विस किसको ले लें? अरे बहुत से हो सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी बेस को ले लें आप, एग्जाम्पल लेके चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। द फॉर्मेशन इज CH3CONA+H2O। द नेम ऑफ दिस सोडियम एसीटेट। ये क्या है? सॉल्ट है। और क्या बना बेटा? वाटर। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? कौन सी रिएक्शंस है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गया। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो गया? क्योंकि एसिड बेस ने रिएक्शंस की और फॉर्मेशन किसका हो गया? सॉल्ट प्लस वाटर का। यदि पोटेशियम लेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम लेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम लेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम एसीटेट। कैल्शियम लेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम एसीटेट। चलिए और देखते हैं, नंबर फोर। नंबर फोर में क्या है? चलिए, ये एसिटिक एसिड है, जिसकी रिएक्शन किससे करते हैं? एल्कोहल से। रिएक्शन विथ एथे
नॉन एथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? इथाइल एल्कोहल। तो रिएक्शन होगी किस किस रिएक्शन होना है? एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या है? CH3COH। और क्या है हमारे पास? इथाइल एल्कोहल C2H5OH। किसकी प्रेजेंस होगी? कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या बनेगा? CH3COC2H5। ये क्या है? इथाइल एसीटेट CH3COC2H5। नाम क्या है इसका? इथाइल एसीटेट। इसको हम जनरल क्या बोलते हैं? ईस्टर। तो जब हमने एसिटिक एसिड को लिया और किसको लिया बेटा? एथेनॉल को लिया या इथाइल एल्कोहल को लिया, तो क्या बना? ईस्टर बना। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रखेंगे? ईस्टरीफिकेशन रिएक्शंस। क्यों ईस्टरीफिकेशन रिएक्शंस कह रहे हैं? क्योंकि क्या बन रहा है? ईस्टर एंड और क्या बनेगा? प्लस कर दे रहे। क्या बनने वाला है? वाटर। अब इस रिएक्शन में क्या बन गया? ईस्टर बन गया। चलिए ईस्टर का फॉर्मूला क्या है? CH3COC2H5। क्या नाम रखा था इसका हम लोगों ने? इथाइल C2H5 ही ना। चलिए हम लिख दे रहे C2H5 इज कॉल्ड इथाइल। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? CH3COO इज कॉल्ड एसीटेट रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या बनेगा? CH3CONa। यानी ये जो कंपाउंड बना है इसका बिल्कुल वैसे ही फार्मूला है जैसा किसका होता है? सॉप का होता है। नाम क्या इसका? सोडियम। कई बार नाम हो गया ना इसका? सोडियम एसीटेट। और क्या बनेगा साथ में देखते हैं क्या बनेगा? क्या बनने वाला है यहाँ पर? क्या बनेगा भाई साथ में? C2H5OH एथेनॉल। तो इस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं हम लोग? सपोनिफिकेशन रिएक्शंस। क्योंकि जब किसी ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शंस कराते हैं तो सॉप या सॉप लाइक कंपाउंड बनता है, सॉप या सॉप जैसे फार्मूला वाला कंपाउंड बनता है। इसलिए रिएक्शंस का नाम क्या रखते हैं? सपोनिफिकेशन। इथाइल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपने रिएक्शंस कराया, रिएक्ट कराया, तो क्या क्या बना? सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल एल्कोहल। सोडियम एसीटेट सॉप नहीं है लेकिन इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही जैसा किसका होता है? सॉप का होता है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? सपोनिफिकेशन। चलिए और लिखते हैं। कितना नंबर हो गया आपका देखते हैं? 3-4 हो गया था। 4 के बाद नेक्स्ट इज 5। रिएक्शन विथ कार्बोनेट सॉल्ट। कार्बन सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्शन लेते हैं। चलिए एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं। किससे ले लें? CH3COH एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा? CH3CONa सोडियम एसीटेट प्लस H2O। और कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH कौन सा कंपाउंड ले ले? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लिया। तो टू मॉलिक्यूल चाहिए ना क्योंकि यहाँ Na2 है। तो क्या बनेगा? 2CH3CONa प्लस कौन सी गैस निकलेगी? इफरबेंस साउंड आर सनसनाहट के साथ कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
जब किसी हम एसिड को किससे रिएक्ट कराते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट के साथ, तो ऑलवेज कौन सी गैस निकलती है, याद रखना CO2 गैस निकलती है। कैसे निकलती है, सनसनाहट की आवाज के साथ निकलती है। कैसे पता लगाएंगे कि CO2 गैस निकली है, अगर CO2 गैस को हम लाइम वाटर में पास कर दें, लाइम वाटर क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CO2 गैस को कहां पास कर दिया आपने, लाइम वाटर में, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का अपीयरेंस देता है, मिल्की कलर का, यानी लाइम वाटर जो कैसा होता है, कलरलेस होता है, किस कलर का दिखने लगा आपको, मिल्की कलर का उसका अपीयरेंस हो गया। अगर हम मान के चलें कि जो गैस बन रही है CO2 गैस, उसको कंटिन्यूअस पास करते जाए, तब क्या होगा, इफ द CO2 गैस कंटिन्यूअस पास इन अ लाइम वाटर, व्हाट विल हैपन, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट इज अ कलरलेस। तो आपका जो मिल्की कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन था, वो किसमें चेंज हो गया, कलरलेस में, किसके फॉर्मेशन से, अरे भाई किसका फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। तो उसका कलर कैसा हो गया, वो उसका कलर मिल्की कलर से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको हम स्टडी करते करते एक जगह पहुंच गए, किस जगह, किसका फॉर्मेशन हुआ था, सबका, सबका जनरल फार्मूला क्या होता है, आर सी डबल ओ एन ई, आर क्या है, एल्काइल पार्ट है, सी 17 एच 35 सी डबल ओ एन ए। एक कॉमन एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसी सॉल्ट का, इसका नाम क्या होता है बेटा, सोडियम स्टीरेट, और सॉल्ट किससे बनाए जाते हैं, एस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनता है। तो इस रिएक्शन को क्या नाम रखते हैं हम, सफोनिफिकेशन। अब हमारा फॉर्मूला है C17 का मींस क्या होगा, अरे भाई कार्बन की कितनी चेन होगी, 17 कार्बन की चेन होगी, ये चेन चल रही है C17H35, और बाद में क्या है, COONa, सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल पे कैसा चार्ज होगा, ऑलवेज इज अ पॉजिटिव, तो कार्बोक्सिलेट पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, तो ये चार्ज कैसा है इसके ऊपर बेटा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा मान के चलते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, C17H35COONa। अगर आप थोड़ा सा मान लें कि हमने सॉप को लिया, इसका नाम क्या था, सोडियम स्टीरेट, किसमें डिसॉल्व कर दिया हमने, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, द सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, इट आयोनाइज करस्पॉन्डिंग कैटायंस एंड एनायंस, तो क्या क्या बनेगा, एक सोडियम आयंस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, स्टीरेट बनेगा, और ये कौन सा है, सोडियम आयंस है। थोड़ा आगे चलते हैं, स्टीरेट आयंस क्या है, C17 COO-, ये जो कार्बोक्सिलेट पार्ट है COO, इट इज सॉल्युबल इन अ वाटर, इज कॉल्ड हाइड्रो
हाइड्रोफिलिक, क्या नाम दे दिया इसको, हाइड्रोफिलिक कह दिया। क्यों कह दिया? बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब कौन सा हिस्सा बचा? C17H35 इस कॉर्टेल, ये हेड हो गया। C17H35 क्या है? हाइड्रोकार्बन पार्ट है। हाइड्रोकार्बन पार्ट इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में। तो किसमें सॉल्युबल होते हैं? किसमें सॉल्युबल है? ऑयल में सॉल्युबल है। तो इसको क्या नाम देंगे? अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो क्या होगा? इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। यानी आपका हाइड्रोकार्बन C17H35C00 पार्ट है। एक वाटर सॉल्युबल है और दूसरा ऑयल सॉल्युबल है। वन इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक, सेकंड इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक क्या है आपका? C00 है। हाइड्रोफोबिक क्या है? हाइड्रोकार्बन की चेन है, जिसको हमने टेल कहा। थोड़ा फिर आगे समझते हैं। अगर हम C17H35C00Na को किसमें यूज करें? हार्ड वाटर में, तो झाग नहीं बनता है। झाग क्यों नहीं बनता है हार्ड वाटर में? क्योंकि हार्ड वाटर का मींस क्या होता है? कुछ सॉल्ट होते हैं उसमें। किसके सॉल्ट होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अरे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। कुछ हम लिख ही दे रहे हैं। मैग्नीशियम का क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। और क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। और क्या हो सकता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के सॉल्ट होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम C17H35C00 सोडियम स्टीरेट को किसमें यूज करते हैं? हार्ड वाटर में, तो क्या नहीं बनता है? झाग नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जैसे हम साबुन को हार्ड वाटर में यूज करते हैं तो क्या बनने लगता है? C17H35C00 का होल ट्वाइस कैल्शियम क्या बन गया? कैल्शियम स्टीरेट बन गया। और क्या बनता है? एंड CH3C00 होल ट्वाइस Mg मैग्नीशियम एसिडेट बनता है। इसलिए सॉप हार्ड वाटर में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। तो कहां प्रॉपरली वर्क करता है सॉप? प्रॉपरली वर्क कहां करता है? इन सॉफ्ट वाटर। इसमें अच्छी तरह से वर्क करता है सॉफ्ट वाटर में। क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्या नहीं होते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस या उसके सॉल्ट नहीं होते हैं। ये नहीं होता है, इसलिए सॉप किसमें आसानी से रिएक्शन करता है? सॉफ्ट वाटर में। अब कैसे वर्क करता होगा? इस कॉल क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। देखते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप कैसे होता है। बहुत अच्छा फंक्शन है ये। हम मान के चलते हैं कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप के लिए मान के चलते हैं, ये आपका क्लॉथ है, जो ये आपका कपड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पर कोई ऑयल की ड्रॉप लगी हुई थी, ठीक है। थोड़ा लार्ज इसलिए बना रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। इस ऑयल की ड्रॉप से डस्ट पार्टिकल इस प्रकार से अटैच हो गए, तो आपको लगा कि आपका ये क्लॉथ कैसा होगा? डर्टी हो गया, गंदा हो गया। फिर आप क्या करते हैं? इसको क्लीन करते हैं। भाई क्लीन करने का प्रोसेस क्या है? और सिंपल सा प्रोसेस है, हम किसको लेते हैं? वाटर को लेते हैं। तो ये वाटर हो गया, मान के चलते वाटर में कपड़े को आपने थोड़ा डिप कर दिया है ना, वेट कर दिया, गीला कर दिया। अब क्या करेंगे आप? अब आप सिंपल सा है, किसको लाएंगे? सॉप को लाएंगे। सॉप में कौन सा पार्ट है? C17H35C00-
तो C17H35 क्या है? C17H35 वह पार्ट है, वह टेल है जो किसमें सॉल्युबल है? ऑयल में। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? कार्बोक्सिलेट है C OO, ये किसमें सॉल्युबल है? वाटर में। तो आपका C17H35 कहाँ रहेगा? सॉल्युबल इन ऑयल। और कार्बोक्सिलेट पार्ट किस ओर होगा? टुवर्ड साइड ऑफ द वाटर। इसका मींस है कि टेल आपकी डिसॉल्व इन ऑयल एंड हेड मींस कार्बोक्सिलेट डिसॉल्व इन वाटर। इस प्रकार से आपके बहुत से सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जाके किसमें डिसॉल्व हो जाएंगे? ऑयल में डिसॉल्व हो जाएंगे और एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। वो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा बेटा? थोड़ा सा हैवी वेट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मिसाइल्स बोलते हैं। अब जैसे ही कपड़े को आप क्या करते हैं? वाटर में ऊपर नीचे डिप करते हैं या ब्रश को घिस देते हैं, तो जैसे ही ब्रश को घिसते हैं तो ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल पार्टिकल क्या होगा? मिसाइल पार्टिकल उस क्लॉथ की सरफेस को छोड़ देगा। जैसे क्लॉथ की सरफेस को छोड़ेगा तो क्या होगा देखते हैं। ये आपका क्लॉथ है और जो आपका मिसाइल पार्टिकल था, मिसाइल पार्टिकल कहां जाएगा? इन अ वाटर, वाटर में आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है बेटा देखते हैं। जो आपका टेल है वो किसमें है? ऑयल में सॉल्युबल है। हेड किसमें है? वाटर में सॉल्युबल है। इस पार्टिकल को क्या कहते हैं हम लोग? मिसाइल बोलते हैं। तो मिसाइल के फॉर्मेशन से आपका जो डर्टी पार्टिकल है उस क्लॉथ को छोड़ के निकल जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि डर्टी पार्टिकल तो ऑयल में अटैच है और आपका जो क्लॉथ है वो क्या हो गया? क्लीन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सॉप। कभी कभी क्या होता है, मिसाइल है ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है और छोटे छोटे ड्रॉप बनाता है, ड्रॉपलेट बनाता है जिसको ग्लोबल्स कहते हैं, और ये ड्रॉपलेट वाटर में फ्लड होते रहते हैं। इट इज अ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। तो इस प्रकार से आपका सॉप क्या हो गया बेटा? क्लीन हो गया। लेकिन दिक्कत क्या रही है? दिक्कत ये आ रही है कि आपका सॉप हार्ड वाटर में प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो हमें किसकी आवश्यकता है? एक ऐसे क्लीनिंग सब्सटेंस की आवश्यकता है जो आपका हार्ड वाटर में वर्क करे। वो कौन से होते हैं? इट इज कॉल्ड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट आपके हार्ड वाटर एंड आल्सो सॉफ्ट वाटर में प्रॉपरली वर्क करते हैं। क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेट पार्ट नहीं होता है। क्या होता है? सल्फोनेट पार्ट होता है। किसके स्थान पर होता है बेटा? कार्बोक्सिलेट जो आपका आयंस था उसके स्थान पे क्या होता है? सल्फोनेट पार्ट होता है। जैसे एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट एक डिटर्जेंट है। नंबर टू कौन सा बताया हमने आपको? एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट एक सॉल्ट हो गया। दूसरा क्या है? एल्काइल सल्फेट। तो इसमें कार्बोक्सिलेट पार्ट नहीं होता है, या तो सल्फेट पार्ट होता है, सल्फोनेट पार्ट होता है। और ये जो पार्ट है मींस आपका जो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट या एल्काइल सल्फेट है वो किससे रिएक्शन नहीं करता? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से हार्ड वाटर में रिएक्शन नहीं करता है। तो ये प्रॉपर्ली वर्क करते हैं चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो। कुछ प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम है? अगर डिटर्जेंट हाईली ब्रांचेड, यानी जो एल्काइल पार्ट है वो कैसा है? उसे बहुत ज्यादा ब्रांच है, तो वो जो आपका डिटर्जेंट है उसका बायोडिग्रेडेशन इजिली नहीं होता है। बायोडिग्रेडेशन आसानी से नहीं होता है। जब बायोडिग्रेडेशन आसानी से नहीं होता है तो आपका जो डिटर्जेंट है वो वाटर को क्या करेगा? पॉल्यूटेड कर देगा। क्योंकि अंत में वह के कहां जाना है?
या तो रिवर में जाएगा, पॉन्ड में जाएगा, तो पॉल्यूटेड कर देगा, और जब पॉल्यूटेड हो जाएगा तो ऐसा वाटर आपकी एज जो इक्वेटिक लाइफ होती है उस इक्वेटिक लाइफ को क्या करेगा, अफेक्टेड करेगा। इक्वेटिक लाइफ को क्या करेगा, इफेक्टेड कर देगा। क्यों इफेक्टेड कर देगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया, वाटर को पॉल्यूटेड कर दिया। सेकंड और क्या होता है, डिटर्जेंट में फॉस्फेट भी होता है, तो ये फॉस्फेट जो होता है वो एल्गी टाइप सब्सटेंस को जो आपके इक्वेटिक लाइफ होती है जो वाटर में, इसमें एल्गी भी होती है, उसकी बहुत ज्यादा ग्रो कर देता है। जब एल्गी एल्गी टाइप सब्सटेंस की बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी तो वहां ऑक्सीजन जो डिजॉल्व थी वाटर में उसका अमाउंट कम हो जाएगा, तो वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, तो इक्वेटिक एनिमल्स है तो इक्वेटिक प्लांट का ग्रो तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि डिटर्जेंट में फॉस्फेट था और उसका आसानी से डिग्रेडेशन बायोडिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, तो उसका अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एल्गी और जो आपके इक्वेटिक प्लांट है उसकी तो ग्रोथ होगी, सुपर नेचुरेशन हो जाएगा, लेकिन जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उनकी इक्वेटिक लाइफ क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, आजकल हम ऐसे कंपाउंड को यूज करते हैं जिनमें क्या होती है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन बॉन्ड डिटर्जेंट यूज टूडे। आजकल हम किसको यूज करते हैं, हम लोग ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन के स्थान पर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन डिटर्जेंट को यूज करते हैं, क्योंकि इनका क्या हो जाता है, इट इज इजली बायोडिग्रेडेशन, इनका आसानी से बायोडिग्रेडेशन हो जाता है। आजकल हम किसको यूज करते हैं बेटा, ऐसे डिटर्जेंट को यूज करते हैं जिनमें क्या होती है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, यानी मिनिमम क्या होगी, ब्रांच होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन इज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इनको दो क्लास में क्लासिफाई किया गया, नंबर वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक केवल सिंगल सीरीज है, इस कॉल्ड होमोलोगस सीरीज एल्केन। जनरल फार्मूला क्या है बेटा इसका, CnH2n+2। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें एल्केन का, एन की वैल्यू 1 ले लें, देन CH4। इसको मार्स गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस भी कहते हैं, मेथेन हो गया CH4। एन की वैल्यू 2 कर दें, C2H6। इस कॉल एथेन। देखो इसमें कॉमन चीज आपको दिख रही होगी, हमने मेथेन लिखा तो एनी सफिक्स है, एथेन लिखा तो भी क्या है, एनी सफिक्स है। इसका मींस क्या है, द कार्बन एंड कार्बन बॉन्डेड बाय द सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो सीरीज का नाम क्या है, एल्केन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मींस भी यही होता है, इफ द कार्बन कार्बन बॉन्डेड बाय द सिंगल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर एल्केन। एन की वैल्यू 3 कर दे तो क्या हो जाएगा, C3H8। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। कितने कार्बन बेटा, 1, 2, 3 और बाकी क्या लगे हैं, H। चलिए एन की वैल्यू कितना कर दें, 4 कर दें, तो क्या हो जाएगा, C4H10। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन। 1, 2, 3, 4 बाकी क्या लगे, H लगे हुए। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट इज द N5 C5H12। नेम ऑफ इट इज
पैंटेन 1, 2, 3, 4, 5, बाकी सब क्या लगे बेटा, एच लगे हुए। चलो एक जगह एच लगा दे, कलर चेंज कर दे रहे थोड़ा सा, रेड कलर में अच्छा लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया ना, एच 12, सी 5 हो गया, इस कॉल्ड पेंटेन। अब थोड़ा और आगे लेते हैं, चलिए एक हेक्सेन को लेते हैं, एन की वैल्यू कितना कर दें, 6 कर दें, सी 6, एच कितना हो जाएगा 40, नेम ऑफ दिस हेक्सेन, कितना कार्बन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बाकी सब क्या लगे हैं, एच 3, 2, 2H, 2H, 2H एंड 3H, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंसी होती है ना, 4 वैलेंसी होती है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, पहला हो गया सैचुरेटेड, सेकंड है अन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी दो क्लास है, वन इज कॉल्ड एल्कीन एंड सेकंड इज एल्काइन, है ना, फर्स्ट है एल्कीन, सेकंड इज एल्काइन। एल्कीन मींस क्या है, इन मींस कार्बन कार्बन बॉन्डेड बाय द डबल बॉन्ड, एल्काइन मींस कार्बन कार्बन बॉन्डेड बाय द ट्रिपल बॉन्ड। इफ द कार्बन एंड कार्बन बॉन्डेड बाय डबल आर ट्रिपल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड टू इज अ सीरीज, वन एल्कीन सेकंड इज अ एल्काइन। तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करते हैं, एल्कीन की। जनरल फार्मूला क्या है इसका, CnH2n होमोलोगस सीरीज। एल्कीन एन की वैल्यू 2 होगी ना कम से कम, क्यों होगी, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड बनाना है, C2H4, नेम ऑफ दिस एथीन, क्या होगा कार्बन कार्बन बॉन्डेड बाय द डबल बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन से कितना एच लगा होगा, 2H लगा होगा, देख लीजिए हो गया आपका C2H4 हो गया। अब आगे चलते हैं, एन की वैल्यू कितना मान लें बेटा, 3 मान लें, तो कितना हो जाएगा C3H6, नेम ऑफ दिस प्रोपीन, इन क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि इसमें क्या है डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड बना दिया, कितने एच हो गए 1, 2, 3, 4, टेट्रावैलेंसी होती है ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, प्रोपीन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, एन की वैल्यू को कितना मान लें, 4 मान लें, तो क्या हो जाएगा C4H8, नेम ऑफ दिस ब्यूटीन, ब्यूटीन का मींस क्या हो गया, इन है ना, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, 1, 2, 3, 4, बना दिया डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट लेते हैं, एन की वैल्यू कितना मान लें बेटा, 5 मान लें, तो क्या हो जाएगा C5H10, नेम ऑफ दिस पैंटीन, इन आएगा ना, इन क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्डेड बाय द मिनिमम 1 डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड कर दिया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, पैंटीन। चलिए आगे चलते हैं, एन इज अ 6, C6H12 हेक्सीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो गया ना, एक डबल बॉन्ड हो गया, तो सफिक्स क्या आएगा, इन आएगा, कार्बन कितना होता है, टेट्रावेलेंट होता है ना, टेट्रावेलेंसी होती है, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हेक्सीन हो गया। चलिए अब दूसरी सीरीज को लेते हैं, सेकंड कौन सी थी, एल्काइन, एल्काइन मींस द कार्बन कार्बन बॉन्डेड बाय द
ट्रिपल बॉन्ड। और जनरल फार्मूला क्या है इसका, CnH2n-2। n की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, 2 होगी। क्यों 2 होगी, अरे भाई दो कार्बन को लेंगे तभी तो हम किसको बना पाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, C2H2। देखिए 1 ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन, 1 2 3 4, एक एक अच्छे लग जाएगा। इसका नाम क्या रख दें बेटा, इथाइन। YNE आ गया। YNE किसको रिप्रेजेंट करता है, द कार्बन कार्बन बॉन्डेड बाय द मिनिमम इज 1 ट्रिपल बॉन्ड। चलिए और चलते हैं, N की वैल्यू कितना ले लें, 3 ले लें। अब क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। देखते हैं 1 2 3, अब ट्रिपल बॉन्ड तो ये बना दिया। कार्बन के कैसा होता है, टट्टा वैलेंट होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया ना H4। कितना कार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन YNE आ गया। चलिए और लिखते हैं, N की वैल्यू 4 लेते हैं, क्या हो जाएगा, C3 बेटा, यार C3 C4H6 C4H6। चलिए इसमें देखते हैं, 1 2 3 4। अब कार्बन कार्बन में क्या होगा, मिनिमम 1 तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, बना दिए। H कितना है, H6 है ना, कार्बन क्या टेट्रावेलेंट होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैलेंस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए कार्बन की टेट्रावेलेंस ही होगी, क्या नाम होगा इसका, ब्यूटाइन। आगे चलते हैं, N की वैल्यू कितना ले लें, 5 ले लें, देखते क्या होगा, N is 5, C5H8, ठीक है ना, 5 कार्बन बनाते हैं और कम से कम क्या होगा, the 2 कार्बन बॉन्डेड बाय द ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा बेटा, पेंटाइन। पेंटाइन क्यों, YNE क्यों, बिकॉज कार्बन एंड कार्बन बॉन्डेड बाय द ट्रिपल बॉन्ड। और पेंटाइन क्यों, क्योंकि इसमें कितना है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या करते हैं, पेंट यूज करते हैं, तो क्या हो गया, पेंटाइन हो गया। नेक्स्ट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट इज एली साइक्लिक एग्जांपल। देखो ये चेन बन गई है ना, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो साइक्लिक फॉर्म में है, तो साइक्लिक को साइक्लो, कितना कार्बन, 3 कार्बन है ना, तो क्या नाम रखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। एन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में। और आगे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल, 1 2 3 4, साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लो 4 कार्बन है ना, ब्यूट कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। कार्बन की वैलेंस कितनी, 4 होती है, 1 2 3 4, यानी 2 H लगा देंगे सब में, है ना, तो क्या बन जाएगा ये, साइक्लोब्यूटेन। आगे चलते हैं, अगर हम 5 कार्बन को लेने तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। देखते हैं, 1 2 3 4 5, हो गया ना, कार्बन की कितनी टेट्रावेलेंस होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, क्या नाम होगा इसका? साइक्लोपेंटेन। पेंटेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। चलिए और आगे चलते हैं, है ना। थोड़ा सा सिक्स कार्बन को लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कार्बन कितना होता है? टेट्रावेलेंट होता है। तो कितनी वैलेंसी होगी? 4 वैलेंसी होगी। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी दो डैश लगा देंगे। साइक्लिक फॉर्म में तो साइक्लो, कितना कार्बन है? 6 हेक्स। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, तो साइक्लो हेक्सेन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड चल रहा है ना, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हमें केवल एक कंपाउंड को पढ़ना है, वो कौन सा है? C6H6। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? बेंजीन। बेंजीन क्या है? C6H6। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो देखो अभी हमने सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड कर दिया है। सिक्स हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब क्या करते हैं? देखिए, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। अब क्या किया हमने? सिंगल और डबल बॉन्ड को अल्टरनेट सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। कार्बन कैसा होता है? टेट्रावेलेंट होता है। कितनी वैलेंसी होगी? 4 होगी। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 4 हो गई ना। और फॉर्मूला क्या हो गया? C6H6। कभी कभी एक शब्द आता है, आइसोमर्स। आप सोच रहे होंगे ये क्या? अरे बहुत सिंपल है, एक सिंपल फार्मूला लेते हैं, C5H12। इसके 3 टाइप कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से देखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। देखिए सभी 5 कार्बन है, 12H है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। अब क्या करेंगे? इसका हम दूसरा कंपाउंड बनाएंगे, उसमें H को काउंट करेंगे कितना होता है, 1, 2, 3, 4। और देखो हमने ब्रांच लगा दी, इसका मीन से कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया? ब्रांच हाइड्रोकार्बन हो गया। H काउंट कर ले, 1, कार्बन टेट्रावेलेंट हो तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
तो LHS में फॉर्मूला तो वही है, स्ट्रक्चर कैसा है अलग अलग है, तो इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, आइसोपेंटेन, ठीक है ना। तो फॉर्मूला C5H12 है, एक कंपाउंड हो गया नॉर्मल पेंटेन, दूसरा कौन सा हो गया आइसो पेंटेन। अब क्या किया हमने, 1, 2, 3 एक कार्बन की चेन नीचे लगा दी, एक ऊपर लगा दिया, ये भी कौन सा हो जाएगा बेटा, ब्रांच हाइड्रोकार्बन ब्रांच आ गई ना इसमें, कितना एच काउंट कर लेते, 1, 2, 3, 4 3 एच हो गए ना, सब में 3 एच लगा है, 4 कार्बन है तो कितना एच हो गया, 12 एच हो गया। इसका नाम क्या है, नियोपेंटेन। तो इसका फार्मूला C5H12 है, कंपाउंड 3 टाइप है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और थर्ड कौन सा है, नियोपेंटेन। तो इसको क्या नाम देंगे, आइसोमर्स, और प्रोसेस का नाम क्या होता है, आइसोमेरिज्म। टू आर मोर देन टू कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड प्रोसेस कॉल्ड आइसोमेरिज्म। टू आर मोर देन टू कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन अ स्ट्रक्चर्स इट इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड प्रोसेस कॉल्ड आइसोमेरेज। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारा, C5H12 3 कंपाउंड नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन तो आइसोमर्स हैं और प्रोसेस का नाम क्या हो गया आइसोमेरेज। एक आता है कार्बन का वर्सटाइलिटी,
कार्बन का वर्सेटाइल नेचर का मींस क्या है, वर्सेटाइल नेचर का मींस देखते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं तो अपने आप चला जाएगा, याद आ जाएगा क्या है, कैटिनेशन पावर। कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वह टेट्रावेलेंट होता है, कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रावेलेंसी होती है। नंबर टू और क्या होता है ना, वर्सेटाइल नेचर देख रहे हैं इसका। नंबर सेकंड, कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं, थोड़ा सा सिक्स वाला बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 देखिए लॉन्ग चेन हो गई, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, तो ये लॉन्ग चेन कंपाउंड हो गया। इसके पहले क्या देखा था हमने, सोडियम स्टेट देखा था, C70 नंबर थर्ड, मल्टीपल बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन, क्या है ये दो सीरीज बनाता है पूरा, कौन कौन सी, वन इज एल्कीन, जहां पर क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, चलिए बना दिया, पेंटीन हो गया, और क्या करता है सेकंड एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 2 3 4, तो ये 4 और नेक्स्ट का हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका मींस हो जाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, बना दे रहे हैं। यहां कोई अच्छी लगेगा, 1 2 3 4 हो गई, तो आपका एल्कीन और नेक्स्ट क्या हो गया, एल्काइन हो गया, और लॉन्ग चेन कंपाउंड बनते, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, वर्सेटाइल नेचर बन कहते हैं। फोर और लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, इसकी बहुत लंबी सीरीज है, कुछ हमारे इंपोर्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का मींस क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करता है या डिटरमिनेट करता है, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज, या तो वो ऑर्गेनिक डिटरमिनेशन ऑफ केमिकल बिहेवियर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, एल्कोहल के एग्जाम्पल कौन से थे देखते हैं जरा, वन इज CH3OH, ये क्या है, मिथाइल एल्कोहल है, कॉमन नेम है जो बोलचाल में बोलते हैं। IUPAC नाम क्या है, मैथेनॉल, ये कौन सा नाम लिख रहे ब्रैकेट में, IUPAC। दूसरा क्या था याद है आपको, C2H5OH, ये क्या था, इथाइल एल्कोहल, IUPAC नाम क्या है इसका, एथेनॉल, चलिए और लिख दे रहे, C3H7OH, प्रोपाइल एल्कोहल, कॉमन नेम हो गया इसका, IUPAC नेम क्या है, प्रोपिनॉल हो गया। एक और होता है, चलिए उसको याद दिलाते हैं आपको, सेकंड सीरीज कौन सी है, होमोलोगस सीरीज चल रही थी ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या है, HCHO, क्या नाम है इसका, फॉर्मल डिहाइड, IUPAC नाम क्या है इसका, मैथेनल, AL आया, कौन आया, AL, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या है, AL है। सेकंड एग्जांपल देखो, CH3COOH, acetaldehyde, IUPAC नाम क्या, टू कार्बन है ना, तो एथेनल। चलिए एक सीरीज और लेते हैं, है ना, एक सीरीज और लेते हैं इसकी,
नेक्स्ट ही लेते हैं इसकी हम लोग कौन सी एल्डिहाइड के बाद कीटोन। कीटोन में क्या होता है इसका एक एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है CH3CO CH3। सीरीज नेक्स्ट कौन सा हो गया था ये सेकंड हो गया था। थर्ड लेते हैं कीटोन कौन सा है CH3CO CH3। क्या नाम इसका बोल चले बेटा एसीटोन ONE। तो इसका IPS नाम क्या होगा 3 कार्बन है ना E हटाएंगे किसको जोड़ देंगे ONE को प्रोपेनॉन 1 को जोड़ देंगे तो प्रोपेनॉन हो गया एसीटोन कॉमन नेम और प्रोपेनॉन IPS नाम। चलो और लिख दे रहे C2H5COCH3 कितना कार्बन हो गया 4 हो गया तो क्या नाम होगा ब्यूटेनॉन। फोर एग्जांपल देखते हैं कौन सी चीज बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी देखा था ना हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कॉमन एग्जांपल लेते हैं कुछ ऐसे जो हमको पहले से पता है व्हाट इज SCOOH फॉर्मिक एसिड अंत में पाया जाता नहीं। इसका आईपीसी नाम क्या है मैथेन इकोइक एसिड से रिप्लेस कर देंगे मैथेनोइक एसिड। चलिए और एग्जांपल लिखते हैं CH3COOH है ना क्या नाम था इसका एसिटिक एसिड। आईपीसी नाम क्या होगा एथेन होगा इको किससे रिप्लेस करेंगे भाई किससे रिप्लेस कर देंगे वीक एसिड एथेनोइक एसिड हो गया। एक सीरीज और थी अभी आपने देखे थे कौन सी थी हम लोगों सीरीज में ईस्टर है ना इसका एग्जांपल लेते हैं CH3COOH5। इसका कॉमन नेम क्या है C2H5 को क्या बोलते हैं इथाइल और ये क्या है एसीटेट इथाइल एसीटेट। आईपीसी नाम को ब्रैकेट में लिख दें क्या होगा इथाइल है ना। अब इथाइल तो हो गया आपका कौन सा इथाइल कौन सा हो गया बेटा CH3CH2H5 क्या हो गया इथाइल हो गया। अब कौन सा हिस्सा बचा है ये हिस्सा बचा है इसको क्या बोलेंगे एथेनोएट। क्या नाम हो गया इसका आईपीसी में तो यहां लिखते नीचे फिर से इथाइल एथेनोएट। चलिए एक सीरीज और बची उसको कर देना थोड़ा सा सिंपल है कुछ नहीं है। सिक्स इज नेक्स्ट सीरीज है देखते हैं कौन सी है चलिए हेलो एल्केन CH3 मिथाइल CL हो गया आपका क्लोराइड। आईपीसी नाम क्या हो जाएगा इसका क्लोरो मैथेन ठीक है। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं C2H5VR क्या नाम होगा इसका इथाइल ब्रोमाइड। आईपीसी नेम ब्रोमो 2 कार्बन है ना तो क्या हो जाएगा ब्रोमो एथेन क्या नाम हो गया इसका ब्रोमो एथेन। हम लोग क्या देख रहे थे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्यों वर्सटाइल नेचर है क्योंकि ये एक काम नहीं करता इसकी टेट्रा वैलेंसी तो होती है ये डिफरेंट टाइप कंपाउंड बनाता है जहां कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड होता है कभी कभी क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है तो ये क्या था वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कैटिनेशन पावर हो गया लॉन्ग चेन कंपाउंड हो गया मल्टीपल बॉन्ड हो गया एल्किन एल्काइन हो गया और ने कंपाउंड बनाता है बहुत से जिसमें क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्कोहल हो गया सेकंड क्या था आपका एल्डिहाइड हो गया एल्डिहाइड के बाद कीटोन हो गया कीटोन के बाद
कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, फिर हेलो एल्केन हो गया, और क्या करता है, इट फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। केवल ओपन चेन कंपाउंड नहीं बनाता, ओपन चेन मीन्स लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है, साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। कौन कौन से बनाता है, टू टाइप थे ना, पहला कौन सा था, एलिसाइक्लिक, और दूसरा कौन सा था, बेंजीन वाला, एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन देखते हैं कौन कौन से होते हैं, एक आपका क्या है, ग्रेफाइट है। इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे होती है, लेयर स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है ना। ये कैसा बिहेव करता है, यूज क्या है, एज ए लुब्रिकेंट ना, एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या होती है, स्लिप होती है, साथ में क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और चलते हैं क्या है, दूसरा एलोट्रॉप कौन सा होता है, डायमंड होता है। सेकंड एलोट्रॉप क्या है, ये कैसा है, हार्ड सब्सटेंस है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसके मींस इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है ना, तो ये कैसा बिहेव करता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। तो इस प्रकार से आपका जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके जितने फंक्शनल ग्रुप थे, सभी की स्टडी हो गई है। तो कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड थे, है ना, वो सब आपके फिनिश हो गए हैं। तो ये आई नोट आपका एक शॉर्ट रिवीजन ऑफ क्लास 10 ऑर्गेनिक एंड इट्स कंपाउंड खत्म हुआ। थैंक यू।